इस पेपर में कभी नाम ही नहीं सुना। ऐसा कोई क्वेश्चन है तो बताओ। पीछे कौन है सब क्लास में कॉर्नर में? हेलो व्हाट आर द सेंट्रल सेंट्रल टेंडेंसी का कुछ एग्जांपल्स बताओ और है क्या ये बताओ। अरे हम कुछ नया नहीं बता रहे, जो है वही पूछ रहे हैं, बताओ। नहीं पता तो बताओ, नहीं पता है ऐसे ही खड़े गए हो कि क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट कौन है बोलो, खड़े होने बताइए तो मुझे, व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी एंड फॉर व्हाट इट इज बताओ। नहीं पता, इस क्वेश्चन का आंसर लिखो तो जिसको भी जो आ रहा है समझ में। टॉपिक करा गया आपको रिसेप्शन कलर स्पेसिफिकेशन के साथ, ठीक है? ऐसा मत करना रिसेप्शन पे। बताओ, नहीं बताया तुमको, लिखोगे क्या? आगे क्या फायदा है? डेटा को मेजर करने के लिए तुम्हें तुम्हें उसके चाहिए 10 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है, क्या है कैसा ना, वेट कितना है, तो वेट को मेजर करने के लिए क्या करोगे? वेट करोगे, कितना वेट है वो पता चलेगा, वो मेजरिंग डेटा होता है। डेटा का मेजरमेंट वो होता है, आपका हाइट कितना है, वेट कितना है, ये मेजर करना डेटा का मेजरमेंट हुआ, ठीक है? वो किया जा सकता है क्या सेंट्रल टेंडेंसी से? सेंट्रल टेंडेंसी से वेट तुम्हारा निकाला जा सकता है, हाइट निकाला जा सकता है, सिर्फ तुम्हारी वेट और हाइट की बात करता हूँ, निकाला जा सकता। कैसे निकालती हो अपना पता? तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ऐसा नहीं होता है। क्या हो जाएगा उससे? आ जाएगा, जब तक खुद अटेम्प्ट नहीं करोगे क्या हो सकता है उसका? आप अपना वेट कैसे मेजर करते हैं आपको नहीं पता है? उसपे वेट करते हैं, उसके लिए सेंट्रल चाहिए क्या? नहीं चाहिए। हाइट मेजर टेंडेंसी है? नहीं। डेटा का मेजरमेंट मतलब वो हुआ अभी बताए, 10 लोगों का हाइट मेजर कर रहे हैं, वेट मेजर कर रहे हैं, वो मेजरमेंट ऑफ डेटा हुआ, ठीक है? फिर है क्या कोई? तो बताओ जरा, आप बताओ मुझे क्या है सेंट्रल टेंडेंसी? नहीं पता? क्लास कब किए आप, कब से शुरू किए हो? हाँ,
क्वेश्चन का आंसर लिखो तो जरा तुम लोग कोरिलेशन बताया तुम्हें एक्स और वाई डिग्री मेजर करता है। डिग्री क्या होता है? थ्री वर्ड तो पहले भी सुने होंगे, क्या होता है बताओ, क्या हुआ, कैसे हुआ चोट, कैसे लगी स्कूटी से आज पहले? ठीक है बैठो, बोलो डिग्री मतलब क्या हुआ? बोलो ना, जो आता है बोलो, गलत आता है गलत बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिग्री क्या है नहीं पता है? डिग्री डिग्री होता है, अच्छा ये मुझे नहीं पता था। डिग्री बहुत सारी चीजों के इस्तेमाल होता है वर्ड, तुम कौन से डिग्री की बात कर रही हो हम ये जानना चाहते हैं। अच्छा उसमें डिग्री भी होता है, ओके ठीक है बैठो, तब बताओ अपना लिखो तो जरा क्या है, व्हाट इज कोरिलेशन एंड हाउ इट इज मेजर्ड, और सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी पता है तुम्हें, तुम्हारे लिए तो क्वेश्चन वो था, याद है? बताओ जरा व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी, इट मेजर्स द डेटा। ठीक है बैठो देखो जरा लिख के, हो सकता है कि नहीं करी, तो बता देने के बाद भी तुम लोग को सेंट्रल टेंडेंसी याद नहीं है, वेरिएशन याद नहीं है, तो फिर क्या याद है? हाँ थोड़ा फास्ट आंसर, आगे हम बताते चले जाए तुम लोग पीछे का भूलते। बात नहीं बहुत ज्यादा वास्ट आंसर लेने का जरूरत नहीं है अभी, बस शॉर्ट में लिख के मुझे बताओ क्या है।
हो गया, सबका आंसर आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। कितने लोगों का हुआ, बस हैंड रेस करो तू। हाँ फैजान करो जल्दी जल्दी, खड़े होइए, इतना टाइम नहीं है, जस्ट खड़े हो, पढ़ो जरा क्या बोल लो, क्या लिखे हो, खड़े हो जाओ। हाँ ठीक है, लिखो क्या लिखे हो। देखिए सब कोई खुद से ही लिख रहा है। सेंट्रल टेंडेंसी इज अ सर्टेन टेंडेंसी इज अ सर्टेन वैल्यू, सर्टेन लिस्ट ऑफ वैल्यूज। ओके, एक्सट्रा लिस्ट ऑफ वैल्यूज होता है क्या? चलो ठीक है, आगे आगे नहीं लिखते, बस इट इज अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज। अब जरा इसका मतलब भी समझा दो, लिस्ट ऑफ वैल्यूज क्या है? बताइए लिस्ट ऑफ वैल्यूज क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय लिस्ट ऑफ वैल्यूज हियर? सो व्हाई यू हैव रिटन, व्हाई, दैट इज माय क्वेश्चन। चलो तुम खड़े हो जाओ, तुमने भी लिखा अभी एड्रेस किया था ना, चलो खड़े हो। हाँ जस्ट जानना चाह रहे हो भाई, थोड़ा सा क्या लिखते हैं बताइए। सेंट्रल टेंडेंसीज आर सेंट्रल वैल्यू ऑफ हीटर्स एंड इट इज यूज्ड एंड दिस वैल्यू ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसीज इज अ वैल्यू टू रिप्रेजेंट एन एंटायटी। सेंट्रल टेंडेंसी इज अ वैल्यू यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन एंटायटी। अच्छा ठीक है, और कुछ? ठीक है, तुम लोगों में से कौन उठाया था इधर हैंड रेज, कौन कौन किया था गर्ल्स में बोलो तो। हाँ बोलिए ना, कितना इतना आराम करके क्या करेंगे? ओके और कोई बोलो। Second tendency is a mean point that helps to calculate the value of data with the help of mean, median, and mode. For example, if we calculate the number of student present in a class with the help of central tendency, we can find that. Number of students present in the class. ठीक है, average से करोगे? मैम ऐसे मतलब मेरे को याद है जैसे मार्किंग जैसे था ना मैम, actually लिख नहीं पा रही पर ऐसे कुछ है। एवरेज मार्क्स निकालते हैं, बट एवरेज मार्क्स लिखो, ये तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट नहीं होगा, एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन अ क्लास बोल सकते हो, एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, एवरेज हाइट ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास हो सकता है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास नहीं काउंट करते हैं। उसके लिए भी करते हैं बट उसके लिए सेंट्रल टेंडेंसी यूज नहीं होता, उसको कुछ और टर्म बोलता है। इधर किसी का हुआ है बैठ, और किसी का बॉयज में मन दोनों का हुआ है? अभी तक लिख ही रहे हो फर्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखे हो बताओ तुम जरा, तो पूछ नहीं रहे, एक मिनट मनीष आप बताइए। करो सेंट्रल पॉइंट ऑफ द डाटा
meaning the base meter of campus along all the ठीक है बैठो खड़े भी नहीं रहा जा रहा है तुम क्या लिखे हो तुम लोग तो दोनों एक जैसा लिख रहे थे देखकर लगभग और एग्जैक्ट में अंतर होता है वहां पे तुम्हारा जो टर्म है उसमें टेंडेंसी का वर्ड क्लियर नहीं हो रहा है टेंडेंसी का मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है पढ़ लो तुम जस्ट वेट लिखो फिर से पढ़ लो एक बार मैंने जो सुना उसके तो टेंडेंसी बिल्कुल ही क्लियर नहीं है आपने टेंडेंसी को मैथमेटिकल वैल्यू बता दिया है ना टेंडेंसी वर्ड का मतलब तो पता होगा वैल्यू हो सकता है क्या है टेंडेंसी लगभग भी नहीं होता है टेंडेंसी क्या होता है क्या होता है टेंडेंसी का मतलब क्या होता है सबसे अच्छा एग्जांपल हम दे अप्रोक्स भी नहीं जो तुम्हारी टेंडेंसी है हमेशा अपने आंसर को अप्रोक्स करते रहो दैट इज अ काइंड ऑफ टेंडेंसी आंसर नहीं करना ए काइंड ऑफ टेंडेंसी एग्जाम नहीं देना इंटरेस्ट ही नहीं लेना उसमें ठीक है यही टेंडेंसी होता है जो आपका टेंडेंसी है मूवमेंट किस तरह से कर रहे हो वो टेंडेंसी होगा तो टेंडेंसी तो कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हो सकता तुमने टेंडेंसी को ही मैथमेटिकल वैल्यू कह दिया सो पूरा मीनिंग ही बदल जाता है वहां और यही आपके आंसर में बस एक मिस्टेक था जिसकी वजह से पूरा आंसर गलत हो रहा है बाकी कुछ नहीं है बाकी चल सकता है बट वो ऐसा टर्म नहीं था जिसको